नमस्कार और गुस अपडेट को स्वागत कर छुमे चिन्मय प्रथमे हेडलाइंस मैट्रिक परीक्षा फॉर्म पूरण पय स्थगितादेश स्थगित नै माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर विज्ञप्ति जारी फॉर्म फिल अप पय 5 तारिख रे प्रकाश पाइथिला विज्ञप्ति असंतुष्ट थिले अभिभावक छात्र छात्री महानदी जल विवाद मामला ट्रिब्युनाल रे आज सुनानी शेष दुईटी दाबी रखिला ओडिसा बाहरुनी समाधान बाट सुनानी समय निर्धारण पई दुई पक्षों को परामर्श देले ट्रिब्युनाल डिसेंबर 5 रे परवर्ती सुनानी बीएमसी रे चाकरी कराई देबा नारे टंका ठके अभियोग तीन जन को अटक रखी नयागढ़ शरणकुल पुलिस जाल नियुक्ति पत्र तैयारी करथिबा स्वीकार करछि अभियुक्त कटक आठगड़ घासुआ पहाड़ निकटू दंता हाथी मृतदेह उद्धार खुंटुणी रेंज राजवल्लभपुर रिजर्व फॉरेस्ट अंचल घटना दंता हाथी मृत्युर कारण अस्पष्ट राज्य में 1400 पार है कोरोना मृत्यु संख्या पुणी 17 मुंड नेला महामारी 3 लक्ष पार है आक्रांत संख्या 24 घंटे 1372 नुआ आक्रांत चिन्हट संगरोधर 796 स्थानीय अंचल 576 बालेश्वर सहदेव खुंटार कोटे टंकार ब्राउन सुगार जबत क्राइम ब्रांच एसटीएफ और बालेश्वर पुलिस मिलित चढ़ाऊ गोटे केजी धला जहर जबत और 3 गिरफ आज बिहार में अंतिम पर्याय मतदान 15 जिले में 78 आसन पर वोटिंग 1204 प्रार्थी भाग्य निर्धारण करेंगे 2,35,00,000 रु अधिक वोटर सका 11 सुधा 19.74% मतदान राज्य में कमुची पारद बढ़ुची शीत 15 डिग्री तले जारी सहरर तापमात्रा 11.8 डिग्री सह सोनपुर सबुठ थंडा सहर शेषर आज होछि जातीय कैंसर सचेतनता दिवस प्रति 6 जनरे कैंसर कारण होछि जनकर मृत्यु 2018 रे व्याधि नेछि 9,60,000 लोकों जीवन बुलेटिन आरंभ करिबा शिक्षा संपर्कित खबर मैट्रिक परीक्षा फॉर्म पूरण पय स्थगित नै माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर विज्ञप्ति जारी होई प्रत्याहार करबा पय सभापति को स्कूल और गणशिक्षा मंत्री निर्देश देथिले मैट्रिक परीक्षा फॉर्म फिल अप पय 5 तारिख रे प्रकाश पाइथिला विज्ञप्ति एहा पर असंतुष्ट थिले अभिभावक और छात्र छात्री पाठपढ़ा होइ नथिबारु किभलि पाठपढ़ा होइ नथिबारु किभली छात्र छात्री परीक्षा देबे ताहाकु नै प्रश्न उठिथिला तबे संपर्क रे अधिक तथ्य पाए आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होती आम कटक प्रतिनिधि विश्वजीत दास जोड़ी होती विश्वजीत वर्तमान जो प्रथम जहाँ निष्पत्ति दिगला जे आसंता 5 तारीख में मैट्रिक परीक्षा पर फॉर्म फिलअप करते अभिभावक मैंने असंतुष्ट थे या विरोध करते कि वर्तमान से निष्पत्ति को सरकार पुणी थे फेरे ने बर्तमान स्थगित रखुंट वर्तमान अभिभावक क्षेत्र में और छात्र छात्री क्षेत्र में कौन प्रतिक्रिया प्रकाश पाई निश्चित भाव में देखो जो 5 तारीख दिन जो विज्ञप्ति प्रकाश पाई कि मैट्रिक जो फॉर्म फिलअप आरंभ हम ताक आज विधिवत भावे बोर्ड पक्ष सूचना दि जाइए स्थगित रखा जाए कारण आ पूर्व जो अभिभावक मैंने अच्छा पिला अच्छे असंतोष प्रकाश करते जेहेतु परीक्षा पर अल्प समय रही फॉर्म फिलअप पर जो ऑनलाइन क्लास ठीक से होना स्कूल खोलने से प्रतिक्रियाशील होते अभिभावक मैंने प्रतिक्रिया था ये शीघ्र फॉर्म फिलअप न हो आज विधिवत भावे बोर्ड पक्ष स्थगित रखी निश्चित भाव में आम सहित प्रणव अच्छा दशम श्रेणी छात्र अच्छा निश्चित भाव आलोचना करवा कौन कहे आज फॉर्म फिलअप को स्थगित रखा जाए आप खुशी और गोटे कथा पढ़ा को नहीं आपड़ के चिंतित कारण जो ऑनलाइन क्लास चलती डाउट क्लियर होनी फॉर्म फिलअप जब शीघ्र हम तो मार्च मस परीक्षा कौन प्रेसर पड़ो फॉर्म फिलअप जब जल्दी होता है मार्च मस परीक्षा होता आमर कोर्स 30% कटला पर भी 70% कोर्स रही 70% कोर्स सारे भी स्कूल जदि स्कूल खोलने तथा मैं 3-4 मास समय लगे आज आम अल्प समय पाइब जो परीक्षा जल्दी हो अल्प समय पाइब भलसे प्रिपेरेसन कर पारूनि परीक्षा खराब मार रहा है एवं जदि सरकार स्थगित रखी आम खुशी हो परीक्षा एप्रिल मे आड़क हमें भलसे प्रिपेरेसन कर पारू भले भल मार रही जब परीक्षा शीघ्र हुए निश्चित भाव क्यारियर प्रश्न गोटे भाते हैं समय जब भल हम तो मुझ इंजीनियर हो डॉक्टर हो कि गोटे साइंस पढ़ी निश्चित भाव जब अल्प दिन व्यवधान परीक्षा हुए तो निश्चित भाव प्रेसर पड़ो गए अल्प दिन परीक्षा हेल्ले मैट्रिक 95% आशा रखीचु 95% भल मार्क न रही भल कलेज एडमिशन मिलन फिर आम क्यारियर नष्ट हे अधिक समय मिले भलसे पढ़ पार भल मैट्रिक स्कोर कर पार्टी
स्थगित रखिले आम बहुत खुशी हूँ। स्थगित रखिले जानुरी कि फेब्रुआर आड़क फर्म फिलअप कले एप्रिल मे आड़क जब परीक्षा हुए तो आम टाइम पाइबू आम पढ़ी पार भलसे स्कूल खोल भी कोर्स सारीपरबू। निश्चित भाव में अभिभावक अच्छा सहित प्रतिक्रिया ना कौन कह आज जो स्थगित रखा जाए बोर्ड पक्ष कहला फर्म फिलअप करने कि आज स्थगित रखाला जो गणशिक्षा विभाग मना कला से आज सभापति पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाई विधिवत भाव में आपड़ यह कमी देखते आउ गए कथ हो अभिभावक हिसाब से आप पिलापति गोटे क्यारिअर जो शेष पहाच मैट्रिक परीक्षा कहींपर जो मूलदुआ ताकूद नहीं गोटे चिंतित थे निश्चित पिला कि पाठ पढ़े आगे कौन क्यारिअर करेंगे ये अनलाइन क्लास ठीक से होनी गोटे अभियोग आस बारंबार बर्तमान आमर जो सरकार बाहर करते फर्म फिलअप जदि फर्म फिलअप एवं होता परीक्षाटा निश्चित मार्च होता यही समय हुए फर्म फिलअप किंतु फर्म फिलअपटा स्थगित रखी माने तो परीक्षाटा आउटे घुंच जोटा कि एप्रिल मे आड़ घुंच जदि जेहेतु आठ मस है दस पाने पढ़ुंट पखापाखि अनलाइन से मनेक सन्देह अच्छी जदि फर्म फिलअपटा टी डेरी हुए करोना आगू टे कमे तो स्कूल जदि पुणी जानुरी ठार खोले से मानकर प्रस्तुतिता ठीक हे जो ऑनलाइन जो डाउट्स गुरा सब रही सब से पुणी टीचर डायरेक्ट कांटेक्ट रे आसिले सबू क्लीयर हम जेहेतु आगामी दिन में मैट्रिकटा हूँ आम प्रथम बोर्ड तार मार्क आगामी जिते सब किए इंजीनियरिंग मेडिकल अगर कौन सी टेक्निकल एजुकेशन नाला बेलू से जो क्यारिअर दरकार से क्यारिअरटा परसेंटेजा मैट्रिकटा साहय कै तेणु मैट्रिकटा जदि भल हम यहाँ तार प्रथम पहाच तापर प्लस टू कि जहाँ प्लस टू पर जो आड़क जापरेंगे से सुविधा हम से बहुत किसी नलेज से गेन करेंगे किंतु यूँ जदि प्रथम पहाचे से खराब हुए तेल आगामी दिन में अलग ब्याच पिला सहित जो पूर्व ब्याच पिला सहित से कम्पीट करें तेणु सरकार घुचे फर्म फिलअपटा स्थगित रखी से गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप जब परीक्षाटा टे दु तीन मस घुंचा विशेषकर यही वर्षपाई से समय पाइबे प्रस्तुत हे जहाँफल कि मन भितर जो भयटी पिलांकर अच्छी आम मान भय अच्छी आम तो गोटे आशा संचार हम जे ना पाने समय पाइले से भलक प्रस्तुत हे परीक्षा को भी निर्भय भाव में परीक्षा फेस कर जो जे जो परसेंटेज रखापी आशा रखिंट वर्षा आरंभ से पारे आमंत्र सफल निश्चित हे आगामी दिन में अगर जोकोसी परीक्षा फेस करेंगे अगर जेकोसी क्यारिअर काउनसेलींग से जो क्यारिअर को नहीं जो सब चाकरी अच्छी से फेस करेंगे प्रोब्लेम हम ना अगर पिला सहित निश्चित से सफल हे आपण कहले कि कहिया प्रथम पहाच जो क्लास जितने सरुच दशम श्रेणी सर प्रथम पहाच से सी गोड़ देवे निश्चित भल आसिक जेहतु क्यारिअर आगे करेंगे जो कह 30% कटाला सिलेबस 70% रहा ऑनलाइन क्लास रे अनेक प्रॉब्लम हो कहते कि डाउट क्लीयर होनी ऑफलाइन होता बा स्कूल जाए पाठ पढ़ते डाउट क्लीयर हो पाता नहीं कि आप गोटे अपिल करते कि फर्म फिलअप न हो स्थगित रखा जाऊ अभिभावक संघ कर आपको कमी देखते आमर 30% कोर्स कटिला तो सहीटा पिला निश्चित खराब कहीं जेहेतु से यही ब्याचपाई कटिला किंतु अन्य पिला माने पढ़ी तेणु एम तो से पाठटा जान लेनि किंतु साधारणतः जो माने भल भल पिला से माने कटिथिबा सिलेबस को भी कवर करचंदी मु जेहेतु देखुची से माने कवर करचंदी किंतु से कटिबा परे पुणी जो ये जो 70% कोर्स को नहीं से माने चालचंदी से 70% भी तांका पई बोझ होची कहीं ना वर्तमान जो आशा थला नवेम्बर 15 पर स्कूल खोलिबो वर्तमान पुणी नवेम्बर डिसेंबर 31 जाय गलाणी तेणु आगामी दिन में जब पुणी आउ किसी करोनार परिस्थिति नहीं कि पुणी गड़े से आहरी समस्या हे तेणु आप गोटे बाट हूँ जब परीक्षाटा को दुमास यही वर्षपाई गड़े दि जापर ताले हम तो पाने से जो समय टी पाइबे से 70% कोर्स को भी से भलक प्रिपेयर हे प्रिपेयर होगापर जहाँ परीक्षाटा को भलसे फेस कर बोर्ड रे स्थगितटा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप किंतु सेपर्त क्लीयर हवा दरकार जो परीक्षाटा केवे हम कहीं परीक्षाटा जदि फर्म फिलअप घुंची माने स्थगित अच्छी मानते जब परीक्षाटा स्थगित रखिक आगे घुंचा मानने आउटे मे आड़क घुंचा तो भल हम जब फर्म फिलअपटा स्थगित रखी परीक्षाटा से समय रुए से बड़ असुविधा तेणु से फर्म फिलअपटा स्थगित रखी फर्म फिलअपटा घुंचे परीक्षाटा को दुईमास अढ़ई मस घुंचले समय आसो निश्चित भाव चिन्मय जहाँ शुणुते अभिभावक मान कह कथा जो
स्थगित रखा जाए या केबे फोनी नुआ विज्ञप्ति प्रकाश पाउछि बोर्ड पक्षर केबे फोनी फॉर्म फिलअप करा जीवो जदि जनवरी मासरे फॉर्म फिलअप करा जाय ताले आ दुई मास घुचिया पई से मान मते निवेदन करछन जे मे जून जदि परीक्षा हुए पिला माने टिके सुजोग पाइबे समय पाइबे पाठ पढिया पई जो ऑफलाइन क्लास सुजोग मिलियो जदि जनवरी मासरे स्कूल खोले से मते एबे भी दोंदे रे अछंती कि फोनी विज्ञप्ति केबे प्रकाश पाइबो परीक्षार डेट केबे प्रकाश पाइबो से नै मते से दोंदे रे अछंती निश्चित भाबरे विश्वजीत जदि देखबा वास्तविक भाबरे वर्तमान छात्र छात्रिन को पई एक प्रकार मध्ये असुविधा उपजिछि कारण जेते बळे वर्तमान विद्यालय मध्ये खोला जाय पारुनी किंतु ऑनलाइन रे पाठ पढा जाउछि हुए तो सेमानकर ऑनलाइन रे कोठना कोठी डाउट क्लियर हे पारुनी एवं अनेक छात्र छात्री वर्तमान ऑनलाइन क्लास रे मध्ये वंचित रहिछन्ती एवं सेपटे मैट्रिक परीक्षा पिलांक पई जो फॉर्म पूरण कथा कोआ जाउथला से मध्ये गोटे प्रकार सेमानक पई आहुरी मध्ये चिंतार कारण पलटथिला किंतु आजि जो मंत्री जहां निर्देश देउछन्ती जे वर्तमान स्थगित रखा जाइछि ताहा गोटे पटे स्वागत योग्य मध्ये कोआ जाय पारे। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत आपनकर समस्त तथ्य एवं आलोचना पई आसो परवर्ती खबर को महानदी जल विवाद मामला रे ट्रिब्युनल रे आज शुणी शेष। ओडिशार एडवोकेट जनरल असुस्थ थिबारु पक्ष रखिले मुकुल रोहतगी। आज शुणी रे मुख्यतः दुईट दाबी रखिला ओडिशा अणमौसुमी समय रे एक निर्दिष्ट परिमाण रो जल हीरा को जल भंडार को छाड़ा नहीं ओडिशार अंतरीण आवेदन उपरे बारंबार बैठक विफल होई छी। उभय पक्ष मध्य कौनसी प्रकार समाधान रो बाट बाहरी पारु नाही तेणु डिसेंबर रे कौनसी एक तारीख रे मामलार चूड़ांत शुणी करी उभय पक्ष दाबी अनुसार ट्रिब्युनल राय देबा को ओडिशा दाबी करी छी। छत्तीसगढ़ द्वारा निर्माण होइतिबा बैरेज तथ्य रखिबा को दाबी करछि। यासह मूल आवेदन रो शुणी समय निर्धारण पई दुई पक्ष को परामर्श देले ट्रिब्युनल। मामलार परवर्ती शुणी डिसेंबर 5 रे करा जिवो। बीएमसी रे चाकरी कराइ देबा ना कही 6,50,000 टंका ठकै अभियोग रे 3 जन अटक। एभळि एक ठक गांको अटक रखिछि शरणकुळ थाना पुलिस। अभियोग अनुसार शरणकुळ रो मोनाली प्रियदर्शनी तांको सांग अभिजित बीएमसी रे चाकरी कराइ देबा कथा कहितिले परे तांको चाकरी कराइ देबा को मध्य कही 2,00,000 टंका नैथिले। तांको सान भाई अन्य सांग मानको चाकरी कराइ देबा को कही समस्तंक ठारु मोट 6,50,000 टंका नै जैथिले। एहा परे अभियुक्त पोस्टल माध्यम रे जाल नियुक्ति पत्र मध्य पठाइथिला। तबे किछि दिन परे चाकरी न मिलिबारु कौशल क्रमे अभियुक्त को धरी पुलिस जिमारे देबा परे से निजे एही जाल नियुक्ति पत्र तयारी करथिबा स्वीकार करछन्ति। राज्य में 1400 पार है कोरोना आक्रांत को संख्या। आज कोरोना नहीं 17 जन जीवन यहाँ राज्य में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 1410 को वृद्धि पाई। कोरोना आक्रांत को संख्या 3,00,000 पार हो गत 24 घंटा मध्य नुआ 1372 कोरोना आक्रांत चिन्हट हो समुदाय संक्रमितों संख्या 3,140 को वृद्धि पाई। 796 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले आउ 576 स्थानीय संक्रमित बोली जमापड़ी। से सुस्थ हो सारे 285,174 जन एवं सक्रिय रही 13,503 जन आक्रांत। पुणि एक दंता हाथीर मृत्यु। कटक आठगड़ वनखंड खुंटुणी रेंज बणियाबंध संरक्षित जंगल खासुआर एक दंता हाथीर मृत्यु होता जमापड़ी। बार्धक्य कौनसी अजणा रोग में आक्रांत हो मृत्यु होता कहते आठगड़ डीएफओ सस्मिता लेंका। दंता हाथीटर बयस 55 वर्ष अधिक होती शव व्यवच्छेद पर मृत्युर कारण जमापड़ यार अधिक तदंत पर जमापड़ डीएफओ सूचना देते। इयरफोन हला काल कानरे इयरफोन लगाई ट्रेन लाइन रे चालुथिबा समय रे ट्रेन धक्कारे युवतींकर मृत्यु। एभली दुखद घटना घटी रायगढ़ जिला विषम कटक रेल स्टेशन ठारु मात्र 3 किलोमीटर दूर रे थिबा बड़ मटकबाड़ी गाँव में गतकाली संध्या समय रे मटकबाड़ी गाँव किरण गांटा नामक युवती इयरफोन लगाई ट्रेन लाइन रे चली आसुथिबा समय रे पछपटु ट्रेन धक्कारे तांकर मृत्यु होइथिबा जणापड़िछे। घटनास्थल रे रेलवे पुलिस पहुंची तदंत चलाइथिबा मध्य देखिबाकु मिलिछे।
जंगल भितर युवकों गलित मृतदेह उद्धार। नयागढ़ जिला रणपुर थाना दर्प नारायणपुर फांडी अधीन सातभाया पहाड़ पादेशर गुंडुरीबारी गाँ निकट जंगल उद्धार है गलित मृतदेह। दर्प नारायणपुर फांडी पुलिस पहुंच शव जबत कर तदंत चल। मृत शरीर अर्धदग्ध अवस्था रही प्राथमिक तदंतु जमापड़े। मृत शरीर निकटू मिली भोट परिचय पत्र अनुसार मृत व्यक्ति इटामाटी थाना भूतढ़ गांव अक्रूर प्रधान पुव बलभद्र बलवंत रायों जमापड़े। तेज यह एक हत्याकांड और प्रमाण नष्ट उद्देश्य मृत शरीर पोड़ा उद्यम कर स्थानीय लोके अनुमान करुवा बेले पुलिस अधिक तदंत जारी रखी। बापा माँ चलीगला परे बेसहारा चारि पिला। पांच वर्ष तले मार मृत्यु होता बेले भाग्य दाउसाजिला परे एबे रोगरे पड़ी बापांकर मध्य मृत्यु घटी। फलरे पेट पोषिबा को बार द्वार चारि पिला। शेषरे सान दुई भाई भौनी को पाठ पढ़ा पाई सरकार को निवेदन करिछंती बड़ भाई भौनी। मयूरभंज जिला बेतनटी ब्लॉक रु देखिबा ए रिपोर्ट। मयूरभंज जिला बेतनटी ब्लॉक अधीन रे थिबा औला पंचायतर रायकमा गाँव रे रुहंती बेसहारा चारि भाई भौनी। पांच वर्ष तले माँ बासंती किस्कु मृत्यु होता और एवं बापा रथ किस्कु छाड़ी आरपारी को चलीगले। भलरे रही ना घर टीए अच्छी ना खावाई मुठे दाना मिलू। बड़ भाई बड़ भौनी पर घरे मूल लग सान भाई भौनी मुहरे गंडे दाना दे खाली एति नुहे यह चलने कष्टर हो सान भाई और भौनी जंगल रु कोचिला फल साउंटी बिकती। बापा माँ आज बापा मते एगला 15 दिन गांतर है माँ एवं बहुत आगु चली जा पाँच वर्ष पूर्व बर्तमान एमती कम दाम मुड़े सियाडे जाऊे आ मोटो सानटा भी सी इे सियाडे जाऊे कम माम कर खाऊे ना ना घर द्वार कि मिले ना आज मिलवा कथा कहते से मिल पारानी मुझे तो पाठ पढ़ी पारे से मुझ कम करे भाई भाई ही माम को सब उधार करे आमर सब कथा से भाई ही बुझे। हाँ इच्छा थिला एबे तो पाठ पढ़ी पारानी आबे आम भाई भौनी एक पाठ पढ़े आमर इच्छा से आमको टी सा करें अन्यपटे अंतिम संस्कार पे गरीब परिवार को हरिश्चंद्र योजना 2000 टंकार सहायता राशि देवार नियम रही। दुर्भाग्यर कथा जे एट सरपंच और पीओ एमानक विषय जाणि नथिबा कहिछंती। सेपटे असहायचारी भाई भौनी को सरकारी सहायता पे निवेदन करिछंती संपर्कीय ग्रामवासी। मा तो आगु 5-10 वर्ष आगु मरी जाइछंती पिला माने बहुत हिनस्थाई रहिथिले भाई बहुत दिन रोग पड़ते भी सी तो ये 15-20 दिन है मरी जाइंटर भी छुआ मैंने बहुत कष्ट छोड़ पलिथिन तले आज ढेर दिन है यही 3-4 वर्ष है सेमती। सरपंच कहला जे हाँ देखा दबा से फंड रे पैसा ना रोह बुझाबुझी करवा दबा कहीकिना आम चाहूँ घर बापा माँ मरी जा हाँ आम चाहूँ पिला 4 पिला दीटा छोट छोट पिला से पिला दीटा अनाथ आश्रम देते भल हाँ घर फर गोटे गवर्नमेंट थ्रु पाइले भल हाँ तेज केवे एम को सरकारी साहय मिलूँ आ को दुख दूर होता देखा बाकी रहा। मयूरभंज बड़साई मनोरंजन बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एसटी पंजारे ब्राउन सुगार माफिया। बालेश्वर में 3 जन ब्राउन सुगार माफिया को गिरफ्त करने 1 केजी रु अधिक ओजन धला जहर जबत कर एसटीएफ। बालेश्वर सहदेव खुंटार यहां जबत कर बालेश्वर पुलिस सहायता से एसटीएफ यह चढ़ाऊ कर सहदेव खुंटर होटेल ज्योति सागर निकट में यह चढ़ाऊ होता सूचना रही। अभियुक्त मैंने मस्जिद गलीर एसके जमीर नयाबजार प्रभात कुमार सेठी और कासीमेला सुकुर राजर जशवंत बाघ 3 जन जाक अभियुक्त बालेश्वर जिलार सहदेव खुंट पुलिस स्टेसन सर्च काल में प्राय 1 किलो ब्राउन सुगार जबत होतीत अन्य किसी अपराधिक सामग्री जबत होता सूचना रही।
ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ପୋଖରୀ ନିଜେ ତିଆରି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପୁରୁଣାପାଣି ଗାଁରେ ଗାଧୋଇବା ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଗାଁର ଯୁବକ ସଂଘ ନିଜେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଗାଧୋଇବା ଉପଯୋଗୀ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପୁରୁଣାପାଣି ଗାଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ, ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଗାଁ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଗାଧୋଇବା, ଶୌଚ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ପରେ ଗାଁର ବୀଣାପାଣି ଯୁବକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟ ସମେତ ଗାଁବାସୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଶ୍ରମଦାନ କରିଥିଲେ। ନିଜେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଆଦି ଧରି ହିଡ଼ ଦେବା ସହ ପୋଖରୀକୁ ସଫା କରି ଗାଧୋଇବା ଉପଯୋଗୀ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଝାଡ଼କୁସୁମୀ ଗାଁର କଜରୀ ଗୋଚ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ତୁମ୍ବରଲା ଗାଁର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଝାଡ଼କୁସୁମୀ ଗାଁ କଚେରୀ ଗୋଚ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ରହିଥିବା ନିଜ 4 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଖରିଫ ଚାଷ କରି ଅମଳ ପାଇଁ ନିଜେ ଚାଷ ଜମିରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଚାଷ ଅମଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଡ୍ରେସିଂ ମେସିନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। 15ରୁ 20 ବସ୍ତା ଧାନ ଅମଳ କରିଥିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ସାଇଲେନ୍ସରରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ପରେ ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖି ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କୁଲି ମଜୁରିଆ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର, 60 ତଳକୁ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିବା। ଆଳୁ ପିଆଜ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, 500 ଟଙ୍କାରେ ପୁରୁଣି ବ୍ୟାଗ। ବେଲଗାମ ଭାବେ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। କାର୍ତ୍ତିକରେ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପରିବା, ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି ପରିବା ଦର। ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପରିବା ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। କରୋନା ସଙ୍କଟ କାଳରେ ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ନେଇ ହାଣ୍ଡି ସାଲରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଅଧିକ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଖାଉଟି ଯେତିକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଆଳୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଦର ବଢ଼ିଛି, 60-70 ତଳକୁ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିବା। ଟମାଟୋ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବିମ୍ ବି ସେଇ 50-60, ପୋଟଳ 70 ଟଙ୍କା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, 5 ଟଙ୍କାରେ ପରିବା ଆଣିଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ବହୁତ ନେଇ। ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଥିବାରୁ ପରିବାର ଚାହିଦା ଅଧିକ, ବିଶେଷ କରି ଲୋକେ ମାସକ ପାଇଁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ପରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ନିଆଳି ହାଟରେ ଏବେ ଆଳୁ ଦର 45, ପିଆଜ 70, ଟମାଟୋ 30, ପୋଟଳ 70, ବାଇଗଣ 60, ବିନ୍ 80, ସାରୁ 30, ଭଣ୍ଡା 30, କାକୁଡ଼ି 30, ଫୁଲକୋବି 70, କଖାରୁ 30, କଲରା 70 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପ୍ରତି ରେଟ୍ ରହିଛି। ସାରୁ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା, ବାଣ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ 30 ଟଙ୍କା, ଭଣ୍ଡା 20 ଟଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି 30 ଟଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଡ଼ା 20 ଟଙ୍କା, ଫୁଲ 30 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛି, କଲରା 70, ଭେଣ୍ଡି 60, ବିନ 80, ପୋଟଳ 60। ରେଟ୍ ଅଧିକା ହେଲା ମାତ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ କମିବ। ରେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକା ହେଉଛି? ଅଧିକା ଆମର ଏପଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଆସୁଛି ବାହାରୁ ବାହାର ମାଲ ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଚାର୍ଜ ଅଧିକା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକା ରେଟ୍। ଯେଉଁଠି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯାଉଥିବ 50 କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେବ, ପେପରଟା କମିବ ନା। ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଲୋକୁ 80 ଟଙ୍କା ହେବ, ଲୋକ 250 ହିଁ ଚଳିବେ, ଆଉ ଅଧିକ ନେଇପାରିବେ। ପରିବା ରେଟ୍ ବାପା ଆକାଶ ଛୁଆଁ କହିଲେ ମାସରେ, ଯେଉଁଠି କିଲୋ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଆମେ ପରିବାକୁ ଆମ ରେଟ୍ରେ କିଣୁଥିଲୁ, ଏବେ 250 ଆଣିବା ମୁଁ ଆଗକୁ ମୁସ୍କିଲ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗ ସକାଶେ
ଆଉ ପିଲା ତ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ 250 ବି ଆଣିବା, ଘର ପରିବାର ଚଳେଇବା ମହା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, କେମିତି ବୁଝେଇବୁ, ନିଜେ କେମିତି ଖାଇବୁ, ଏଇ କଥା ବହୁତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବାବା। କିଛିଟା ରେଟ୍ କମ୍ କଲେ ସିନା ଆମେ ଭଲରେ ଖାଇବୁ, ଭଲରେ ପିନ୍ଧିବୁ, ଭଲରେ ଚଳିପାରିବୁ। ଏ ତେଲ ଲୁଣ ତ ଆମେ ଯୋଗେଇ ପାରୁନୁ। କନ୍ଦାଉଛି ପରିବା ରେଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ପରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ପରିବା ରେଟ୍ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।